वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 2.9। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए, डिवाइड करना है 5.75 डिवाइड बाय 5, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जगह 575 लिख दो, यहाँ पर पॉइंट के लिए हो गया 1, दो नंबर पॉइंट के बाद 2 जीरो, इसको क्या करो मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। ठीक है, तो ये 5 का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ठीक ठीक है, अब इसको जो है 25 से डिवाइड करो, 25 4 100 और 25 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 23 आएगा। हो गया 23 डिवाइडेड बाय हो गया 5 4 20 और इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1.15 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखो, सेकेंड का फर्स्ट देखो, यहाँ भी डिवाइड करना है 59.2 है, इसमें डिवाइड करना है 10 से। देखो नीचे में 1 पर जितना जीरो रहेगा पॉइंट को ऊपर में उतना डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे, तो 10 है तो पॉइंट क्या होगा, 1 डिजिट लेफ्ट, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 5.92 आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 का फर्स्ट, यहाँ भी डिवाइड करना है 1446.9 में डिवाइड करना है कितना से, 6.1 से। 1446.9 में डिवाइड करना है 6.1 से। देखो यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट के लिए 1 लो, पॉइंट के बाद 1 नंबर 1 जीरो, फिर यहाँ पर 61 लिख दिए, पॉइंट के लिए 1 1 नंबर 1 जीरो, यहाँ एक फॉर्मूला आ गया a बाई b बाई c बाई d। यहाँ देखो ये होगा a/b × d/c, देखो a/b × d/ये क्या हो गया, c, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो डिवाइड किए हैं, कितना आया है 237.19। अब देखो ये 9 है, यदि 5 या 5 से अधिक रहेगा तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 5 या 5 से अधिक है, 9 है, तो इस 1 में 1 ऐड कर दो, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 237.2 आंसर। क्लियर? अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 16 मीटर जो है क्लोथ का कॉस्ट दिया है 566.40, हमको निकालना है 1 मीटर क्लोथ का कॉस्ट निकालना है, तो 16 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, निकालना है 1 मीटर का, तो इसमें क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है, हमको निकालना है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, क्या करेंगे इसमें 25 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ द वेट ऑफ 22 बैग्स ऑफ शुगर ईच ऑफ सेम वेट इज 1430.55 kg, 22 बैग्स ऑफ शुगर का जो वेट है वो कितना दिया है, 1430.55 kg दिया है। ठीक है, ईच ऑफ सेम वेट, और हमको निकालना है फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग ऑफ शुगर, ईच बैग ऑफ शुगर का वेट फाइंड करना है, तो ऐसे ही बनाएंगे, इसमें इससे डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड कर दो। यहाँ देखो द वेट ऑफ 22 बैग्स ऑफ शुगर ईच ऑफ सेम वेट इज इक्वल टू 1430.55 केजी, देयरफॉर द वेट ऑफ ईच बैग ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1430.55 डिवाइडेड बाय 22। यहाँ देखो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, वन दो नंबर दो जीरो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये होगा 1/22, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 65.025 केजी। क्लियर, एक्सरसाइज 2.9 आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।